जब जीवन में संघर्ष ही करना है तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए ना करें। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर तो एक ऐसी सीरीज है जो संदेशों से भरी पड़ी है। हर स्टेप उसका एक संदेश है। गुड्डू पंडित एक आम घर का लड़का, आम, लेकिन साहस है सर, डेयरनेस है, और उस डेयरनेस ने, यह चाहिए मिडिल क्लास को, रिस्क लेना है मिडिल, ये आप वहां से सीख सकते हैं, डेयरनेस है। वो मुन्ना भैया से डरता है, नो डाउट, वो मुन्ना भैया की इज्जत करता है, नो डाउट, लेकिन जहां उसके रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो खतरा लेगा। और अखंडानंद त्रिपाठी से कहता है, अखंडानंद कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले और तुम घर पर नहीं रहे तो वकील साहब को कौन बचाएगा, बार बार तो तुम थोड़ी बचाओगे। तो तुरंत पलट कर कहता है कि भैया अगली बार मुन्ना जी, मुन्ना भैया घर पर आए और वापस ही नहीं आए, खतरा तो वहां भी है। एंड ही इज इंप्रेस्ड बाय दैट स्टेटस ऑफ गुड्डू पंडित। इमीडिएटली वो प्लान करता है कि यार ये तो गैंग में भर्ती करने वाले लड़के हैं, इनसे क्यों लड़ना। कुछ क्वालिटीज है ना जो आपको हमेशा पे करेंगी, हमेशा, बट उनको समझिएगा, क्योंकि डेयरनेस और पागलपन में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है। क्या शेर से लड़ गए, चीर फाड़ के खा गया, ऐसा नहीं करना है, समझना है सर, नेगेटिविटी से बचना है सर। आज हम जिस वर्ड पर चर्चा करेंगे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का क्या रोल है सर, डायरेक्शन का जिंदगी में रोल ही क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डायरेक्शन। जिंदगी में जिसको भी दिशा मिल गई, दिशा, फिर तो उसने पलट कर देखा ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं योगा करें, आप कहते हो योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम पढ़ेंगे कब। मैंने कहा सरकार योगा करोगे तो स्वस्थ रहेगा, और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहेगा, ताकतवर रहेगा, पावरफुल। तो इसी पावर के बल पे तो लड़ोगे, 8-8 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे। जो चेयर पे बैठ ही नहीं सकता, बैक पेन हो रहा है, ये थोड़ी आपको आईएएस बनाएंगे सर, ये आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो आपको खुदा बना दे। इनकी तो ऐसी क्षमता है, इनकी तो इतनी क्षमता है कि ये आपको खुदा बना दें। आईएएस तो छोटी मोटी चीज है, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत। महाभारत के वॉर में कृष्ण लड़ थोड़ी रहे हैं, डायरेक्शन। अर्जुन ने देखा महाभारत के वॉर में कि सामने की टीम, तब अर्जुन ने ये नहीं कहा कृष्ण से कि भाई हमें डर लग रहा है, बोले हमको प्रेम पैदा हो रहा है। बोले नाटकबाजी की बातें बंद कर, प्रेम पैदा हो रहा है, तुमको डर लग रहा है। कभी कभी हम जो बात है उसे नहीं कह पाते, हम सबकी आदत है। मैं कहा तू चिंता मत कर, हम भीष्म पितामह को बोले कि कोई बात नहीं, शिखंडी को खड़ा कर दे, हैंडल द्रोणाचार्य, बोले बता दे इनके बेटा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, बोले तुम्हें बोलने के लिए कौन कह रहा है, तुम बस हां बोलना, बस बाकी हम संभाल लेंगे। तुम्हें झूठ बोलने के लिए कौन कर रहा है, हम संभालेंगे ना, तुम हां बोल देना। कर्ण का पहिया फंस गया जमीन में, वो बेचारा उतरा अपना पहिया निकालने के लिए, अर्जुन पीछे से रथ पे बैठ गए, कृष्ण ने पलट के देखा, अर्जुन बना रहे, कृष्ण ने कहा ये क्या, बोले निकाल ले तब तक बना ले, थोड़ा सा आप भी ले लीजिएगा। अरे बोले पागल, मार दे। अरे बोले अच्छा नहीं लग रहा, हम छत्री है। हाँ बोले तो छत्री है तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये तो पढ़ने के लिए है।
ये तो पढ़ने के लिए है ना, छत्री है तो क्या हुआ, मार दे दोबारा मौका नहीं, हम कह रहे हैं मार दे। डायरेक्शन जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। किसी भी युद्ध को जीतना है डायरेक्शन। हम क्या कर सकते हैं सर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डायरेक्शन सर, जीवन में डायरेक्शन की इतनी वैल्यू, कोई भी काम करने जाएं, कोई भी, आईएएस बनना, नेता बनना, प्रधानमंत्री बनना, डॉक्टर बनना, जो भी बनना है, जिस पहले चीज की जरूरत है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही मिल गया, अंतिम दिनों में बुद्ध जब फाइनल सारी योग क्रिया उरिया करके थक हार गए, तो वहीं गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने तपस्या की कि अब जब तक भगवान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब ऐसे ही शरीर त्याग दूंगा। तो एकदम बेचारे गल के एकदम हड्डी हो गए। तो उनकी जो अंतिम गुरु है, अंतिम लास्ट गुरु, उनकी जो लास्ट गुरु है वो एक छोटी सी बच्ची है, सुजाता। बच्ची थी छोटी सी, वो आई, उसने पूछा कि क्यों मरे जा रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? अरे बोले बोले तुम जाओ बेटा यहां से। अरे बोले क्या कर रहे हो आप, हमें भी तो बताओ। बोले भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो बच्चे कभी कभी ऐसा जवाब देते हो, पता नहीं उन्हें पता होता है कि नहीं। तो बोले जो चीज अंदर है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और वो बाउल में चावल और दूध लेकर आई उन्हें खिलाने के लिए, बच्चों में करुणा ज्यादा होती। और बुद्ध उसी रात अरहत हो गए। उसी दिन बुद्ध अरहत हो गए। डायरेक्शन सर, दिशा। आज मेरा कीवर्ड यही था आज, कि अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी चीज को संभाला जा सकता है सर। आप रामचरितमानस देखो, रामायण देखो, राम रावण का युद्ध देखो, विभीषण को हटा दो, राम का जीतना मुश्किल था, भले ही भगवान थे, राम का जीतना मुश्किल था सर। विभीषण उन्हें दिशा दे रहे हैं कि नाभि में अमृत है। रावण से पहले, राम से पहले भी बहुत लोग लड़े होंगे, उन्हें कोई दिशा देने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। यानी अगर दिशा सही हो जाए, थर्ड डायरेक्शन। अब कृष्ण का इतना नाम है, भगवान कृष्ण, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो उनका अप्रोच है ना, तरीका, और लड़ाई, लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रेटजी। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे, अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्ण, वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए, अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था, वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो बोला निकाल के तो लौट गया प्यारा। ये तीसरी चीज है यूपीएससी की, डायरेक्शन। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, दे ही रहे होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी, तुमने सही फोर्स ने तुम्हारी मदद कर दी। और वो मदद ऐसे ही करती है,
उसकी मदद करने का तरीका ऐसे ही है कि तुम तैयारी करने गए, तुम्हें ग्रुप बहुत अच्छा मिल गया, फाइटर टाइप का ग्रुप, 28 घंटा पढ़ने वाला, 4 घंटे सपने में भी लगा दिए, सो तुम्हें सीनियर्स मोटिवेट करने वाले मिल गए, तुम्हें लैंडलॉर्ड मिल गया, उसने कहा भैया ये मकान की चाबी लो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। ये है फेट, ऐसे ही मदद होती है, ऐसे ही हेल्प होती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं। और कभी कभी तुम बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए तैयारी करने, और तुमको क्लास में नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गया कि मोदी जी कौन सा IIT गए थे, और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है, अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा, स्ट्रांग। अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे कि अरे यार IIT में रहे कि हम रिक्शे वाले वाली हरकत, लेकिन ऐसा नहीं कहता फिदेल कास्ट्रो, तुम उसकी फोटो ले आओगे सिगार लगाए हुए और कमरे में लगा के तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे कि यार हम भी थोड़ा सा लग तो रहे। और जब भी तुम्हारे मन की जो दूसरी सबसे खास आदत, सबसे मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तुमने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है, कॉमन सेंस को मार देता है। प्रीलिम्स में अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000 जो रियलिटी में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। 9,50,000 तो पापा कहे थे एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो कहीं फंस गए तो, एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। तो तुम तो कभी ये सोचो ही मत कि ये 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 9 लाख को तो पता ही नहीं। एम्बिशन, एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है, एम्बिशन सबकी।